नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे मतदान का अधिकार जनता रहे होशियार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के रण में इस बार 632 प्रत्याशी उतर चुके हैं। वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक सभी प्रत्याशियों को अपनी अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करना होगा। उत्तराखंड में 632 प्रत्याशियों में से 105 नेता आपराधिक पृष्ठभूमि के निकले। यह आंकड़ा पिछले चुनाव के मुताबिक इस बार बढ़ा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2017 में यह आंकड़ा 92 था, जो कि अब बढ़कर 105 तक पहुंच चुका है। इनमें से 22 कांग्रेस, 21 निर्दलीय, 13 भाजपा, 11 बसपा, 6 समाजवादी पार्टी और 7 प्रत्याशी यूकेडी के हैं। अन्य पार्टियों के भी प्रत्याशी हैं। इन आंकड़ों से क्या पार्टियों को चुनाव में फायदा या नुकसान होगा, इसी पर आज देवभूमि के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 632 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से कुल 105 उम्मीदवारों में अपराध की विभिन्न धाराएं दर्ज है। आपको बता दें कि आपराधिक मुकदमों में चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने वाले राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर इस तरह के व्यक्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा और चुनाव के लिए उन्हें टिकट देने का कारण भी बताना होगा। राज्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने बताया कि आयोग को अभी तक 105 उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों में शामिल होने की जानकारी मिली है। इलेक्शन कमीशन द्वारा हमें जो गाइडलाइंस मिली है, उसके अनुसार हमें जो भी क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स के साथ जो कैंडिडेट्स हैं, उनको खुद को और उनका जो पार्टी जो उनको स्पॉन्सर किया, उन दोनों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सार्वजनिक करनी है, तो वो एफिडेविट में भी ये पूरा डिटेल्स दे देंगे और इसको हम एनकोर में अपलोड भी कर लेंगे, ताकि नो योर कैंडिडेट करके जो ऐप है उसमें भी पूरा इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो टोटली 632 कैंडिडेट्स में हमें 105 कैंडिडेट्स का पूरा डिटेल्स मिल चुका है, जिसपे क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स का, तो ये हम पार्टी से भी C7 फॉर्म्स उसका ले रहे हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनको फरवरी 1 से लेके फरवरी 12 तक 3 बार अपना ये जो डिटेल्स है वो एक वर्नैक्युलर पेपर में और एक नेशनल न्यूज़पेपर में इसको छपवा के अपना। आपराधिक प्रत्याशियों पर बोलते हुए भाजपा के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर आपराधिक मामले हैं। रही बात भाजपा की, तो भाजपा में नेता हमेशा आंदोलनरत रहते हैं, जिसकी वजह से उन पर मुकदमे लग जाते हैं। अरे, आप जेडी टाइटलर की बात करें तो 84 के दंगों की उनके ऊपर आरोप रहे हैं। ऐसे बहुत उनके नेता हैं जिन पर कई, मतलब मैं कहूँगी कि बहुत सीरियस आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीतिक मामलों का सवाल है, तो कई बार होता है कि आंदोलन जब हम करते हैं तो उस दौरान भी कोर्ट में हमारे ऊपर कई नेताओं के ऊपर केसेस हो जाते हैं, तो वो केसेस भी कहीं ना कहीं जब हम अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो हमें मेंशन करने पड़ते हैं, तो वो आ जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं वो आंदोलन तो हमेशा से हम करते रहे हैं और ज़्यादातर सत्ता में तो हमेशा से कांग्रेस रही है, तो हम लोगों पर आपराधिक की बजाय मैं कहूँगी जी जो आंदोलनात्मक जो हमारे एक केसेस हैं, ये ज्यादा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के जो भी नेता आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, उन पर कोई भी गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं है। लेकिन अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने बड़े बड़े अपराध करने वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो ऐसे लोग आपराधिक पृष्ठभूमि की बात ना ही करें तो अच्छा है। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमा सिसोदिया का कहना है कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियों के नेता आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी प्रत्याशियों को जांच परख कर ही टिकट दिया है। मैं धिक्कारती हूं इन दोनों पार्टियों को कि समाज को, देश को इस तरह की हिंदू मुस्लिम की राजनीति में ना बांटे, ये मजहब की राजनीति को बंद करें। बात करें तो ये इस बात पर बात करें कि हम कितने स्कूल खुलवाएंगे, हम कितने लोगों को रोजगार देंगे, हम अपने लोगों को कितनी सुविधाएं देंगे, लेकिन इस पर बात करने की बजाय दोनों ही पार्टियां जनता को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिशों में लग चुकी हैं। जिन पे क्रिमिनल केसेज है,
हमारे जितने भी लोगों पर हमने जो शो किया है 22 लोगों में, उनमें सारे राजनीतिक मुकदमे हैं उनका, किसी पर भी कोई किसी का डकैती का मुकदमा है, इनके यहाँ डकैती के मुकदमे हैं, हमारे यहाँ कोई बलात्कारी है, इनके यहाँ बलात्कार वाले भी हैं। बात बोल कहने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और जिनके घर स्वयं शीशे के बने हों उनको दूसरे घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए। अब उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में इस तरह की आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि को रखने वाले नेताओं के अपराधों को सार्वजनिक होने के बाद जनता ध्यान में रखकर ही अपने मत का प्रयोग करे। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। तो राजनीति में आपराधिक नेताओं को लेकर लंबे समय से बहस रही है, लेकिन अब जिस तरह से इस पर जानकारी जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया जा रहा है, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कम से कम जनता को साफ तौर पर अपने प्रत्याशियों के बारे में जानकारी मिलेगी, और जिस तरह से प्रत्याशियों को जानने के बाद ये फैसला जनता के हाथ में होगा कि किस तरह के प्रत्याशी को उन्हें चुनकर आगे भेजना है, किस तरह के प्रत्याशी पर मोहर लगानी है या नहीं लगानी, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। सीमा डोरा भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत स्वागत है आपका। पीसी थपलियाल यूकेडी वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा डीके पाल आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीमा जी, पहला सवाल आपसे ही, राजनीति और अपराध को लेकर लंबे समय से बहस चली आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति और अपराध का ऐसा साथ रहा है कि खत्म करना मुश्किल है। इस मामले में अब जिस तरह से 105 प्रत्याशी निकलकर सामने आए हैं इस बार उत्तराखंड के चुनाव में, भाजपा की बात करें तो भाजपा के भी 13 कैंडिडेट्स ऐसे हैं। लगातार जब आप इस बात को कहते हैं कि प्रत्याशियों को चुनकर संसदीय प्रणाली के अनुसार आप प्रत्याशियों को चुनते हैं, तो आखिर ये 13 आपराधिक मुकदमे जो दर्ज हैं, ये किस तरह से दर्ज हैं और क्या इन प्रत्याशियों को जनता स्वीकारेगी? जी सीमा जी, देखिए जहां तक भाजपा की बात है तो हमारे यहाँ बहुत ही जो चरित्रवान हम लोग उम्मीदवार रखते हैं, बहुत ही चाट के रखते हैं, बहुत ही देखभाल करके जो उनकी इतिहास होता है उनकी उनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी ली जाती है, और जो अगर उन्होंने समाज में अच्छे काम करे हुए होते हैं, समाज सेवा करी हुई होती है, संगठन के साथ जुड़े हुए होते हैं, निरंतर उन्हीं लोगों को हम टिकट देते हैं बहुत ही सोच समझ के और लोगों के साथ विचार विमर्श करके। तो अगर इस तरीके का अगर एक आधा भी मामला कहते हैं कि किसी के ऊपर, सीमा जी एक आधा नहीं, 13 कैंडिडेट भाजपा के भी शामिल हैं इसमें। मैम 13 कैंडिडेट भी होंगे तो उनमें से कोई ऐसा नहीं कि क्रिमिनल में आए किसी पे, जैसे आंदोलनकारी हम लोग हमेशा रहे और समाज सेवा करते रहे, और कांग्रेस की सरकार में तो मुकदमेबाजी तो आपको पता ही है डाल दी जाती है, जब दूसरी सरकार हो हमारी अपनी सरकार ना हो तो मजबूर हम लोग मजबूर हो जाते हैं वहां पे, तो इस तरीके के हैं कि उनके टाइम में जो भी उन्होंने करा होगा, लेकिन इस तरीके का कोई भी आपको नहीं दिखेगा कि वो क्रिमिनल टाइप का हो या कोई ऐसा किसी ने किसी का मर्डर करा हो, किसी ने किसी की जमीन हड़पी हो, किसी ने इस तरीके का कोई बहुत सीरियस केसेस में नहीं होते। ठीक है पीसी थपलियाल जी, बात यदि करी जाए तो लिस्ट में यूकेडी के भी 7 प्रत्याशी बने हुए हैं, इन प्रत्याशियों को लेकर क्या कहना है? दूसरी बात यह कि कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आंदोलन के चलते भी मुकदमा कई बार दर्ज होता है, लेकिन इस आंदोलन के चलते उन तमाम आपराधिक लोगों की पृष्ठभूमि से जो जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम उत्तराखंड एक सैनिक बहुल राज्य है, और जब ये राज्य बना तो हमारी चिंताएं थी कि जो राजनीति का अपराधीकरण उत्तर प्रदेश में हो गया है वो कहीं उत्तराखंड में ना आ जाए। इन चिंताओं के कारण हम बहुत सजग होकर राजनीति को देख रहे थे। जो लोग हमारे राज्य के उस समय के MLA यूपी के लखनऊ विधानसभा में थे, उन लोगों ने जब राज्य बना उसमें से कुछ लोगों ने ये कोशिश की कि हम उस दबंगई की राजनीति को उत्तराखंड में लाएं, लेकिन यहाँ की संस्कृति और संस्कार जो उत्तराखंड के हैं ये कभी भी दबंगई राजनीति को यहाँ के लोग नहीं सहते, वो कभी पनपने भी नहीं देते। और हमने पाया, भगवान बद्रीनाथ का शुक्र है
कि इससे पहले राज्य बनने से पहले जो कोई माफिया यहाँ पे काम करते थे, जिसमें कि खनन प्रमुख रूप से आपने देखा होगा कि पोंटी चंडा ग्रुप बहुत ही खतरनाक तौर से उत्तराखंड में प्रभावशाली ग्रुप था और उसके जेब में यहाँ के नेता होते थे और वो आपने देखा कि उनका अंत कैसे हुआ वो सब जानते हैं। यानी इस देव भूमि में कोई अपराधीकरण करके राजनीति को आगे बढ़ाए, ठीक है पीसी थपलियाल जी, ठीक है ये तो वो अंत हुआ वो तो अच्छी बात है, लेकिन सात नेता जो यूकेडी के शामिल हैं इस लिस्ट में उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपने सबको देखा बोलते हुए, जितने भी दल इस समय बोले ये सब छोटे छोटे हैं। कोई ऐसा हरिशंकर तिवारी जो यूपी में देखिए आप किस तरह से पुलिस वालों को गोली मार के उड़ा देते, यहाँ तो ऐसे जब राज्य बनने से पहले यहाँ देखता था इनकाउंटर करते थे माता वाला बाग में और उसके बाद जब राज्य बना तो इनकाउंटर खत्म हो चुके हैं। यहाँ जो छोटे छोटे अपराधी भी थे जो ऐसे थे कि जिनका इनकाउंटर करना पड़ता था वो भी अब नहीं रहे। लेकिन पीसी थपलियाल जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जो सात लोग आपकी पार्टी के लिस्ट में आए हैं उनको लेकर क्या कहना है आपका, उन पर किस तरह के मुकदमे हैं? उसमें आंदोलनकारी मुकदमे, हम लोग आंदोलन के लोग हैं और हमारे पे आंदोलनकारी मुकदमे अभी भी चल रहे हैं और उसमें कई लोग, ठीक है ठीक है। यहाँ पर बीजेपी और आपकी भाषा एक नजर आ रही। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र जी अगला सवाल आपसे है, जब अपराधियों की बात सामने आई है और इस बार जब अपराधियों को इनलिस्ट किया गया है 105 ऐसे नेता हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है बीजेपी, और यहाँ पर आपने सुना पीसी थपलियाल जी को यूकेडी का कहना है कि इनके नेताओं पर मुकदमे आंदोलन की वजह से है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, 22 नेता इस लिस्ट में शामिल हैं, क्या कहना है इस पर आपका? जी सबसे पहले आपसे अनुरोध करेंगे राजेंद्र जी फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें। जी हो गया जी। हमारे यहां कांग्रेस की लिस्ट में कोई बलात्कारी है, कोई हत्या का मुलजिम है जिसका ट्रायल चल रहा हो? राजेंद्र जी मेरा सवाल आपसे यही है, किस तरह के मुकदमे हैं? 22 नेता यदि लिस्ट में शामिल होते हैं तो किस तरह के मुकदमे हैं, आप बताएं, जानकारी दें। नहीं मैं परसों, हमारे विधायक हैं फुरकान अहमद कलियर से जी, उन्होंने मुझे प्रिंट के लिए, मेरी उनसे बात हो रही थी चूंकि इलेक्शन कमीशन का ये था कि आप पे अगर आपराधिक मुकदमे हैं तो अखबार में छपवाना होगा जी, तो मैं देख रहा था कि उन पे सारे मुकदमे जो हैं ऐसी धाराओं के थे जैसे धरना प्रदर्शन के और आपदा अधिनियम के, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं माने जाते जी। लेकिन भाजपा ने तो बलात्कारियों को टिकट दे दिया, हमारे ज्वालापुर के जो सम्मानित पूर्व विधायक है, माननीय कहा जाएगा चूंकि निर्वाचित है, उन पर बलात्कार का मुकदमा है। कई लोग ऐसे हैं, तो आप आपकी पार्टी के, राजेंद्र जी आपकी पार्टी के जो 22 लोग हैं तमाम लोगों पर आंदोलन को लेकर या मामूली मुकदमे ही है, किसी पर कोई बड़ा मुकदमा नहीं है? जी, मात्र मामूली मुकदमे हैं। हमारे यहाँ हरीश रावत जी हैं, उन पे जितने भी मुकदमे हैं आंदोलन के हैं, किशोर उपाध्याय जी चले गए उन पर, ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली भी बने हुए हैं। नीरज जी आपने तमाम पार्टियों को सुना, एक तरफ सीमा जी कहती हैं, एक तरफ राजेंद्र जी भी हैं और पीसी थपलियाल जी का भी यही कहना है कि आंदोलन को लेकर ये तमाम मुकदमे हैं, यदि आंदोलन को लेकर ये तमाम मुकदमे हैं तो तीन तीन बार अब इनको पेपर में छपवाना पड़ेगा, जनता के सामने जाना पड़ेगा, कि आप वाकई इस बात में सच्चाई मानते हैं कि सब मुकदमे आंदोलन को लेकर ही हैं? देखेंगे भाजपा पे वैसे। हाँ हाँ रख लीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे पहले, इनकी बात सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कोहली साहब, राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, राजनीति में अपराधियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और यही एक कारण है जो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कई राज्यों में माफियाओं को राजनीतिक पार्टियों ने स्थान दिया, उससे अच्छे लोग जो थे, विद्वान लोग जो थे, वो पीछे हट गए, शरीफ लोग जो थे। ठीक है राजेंद्र जी, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, आपराधिक मुकदमों में 22 नेता सामने आते हैं, फिर आप ऐसी बात करते हैं कि आप राजनीति को साफ करना चाहते हैं, आपने क्यों नहीं पहल की? ठीक है मैं आपके पास वापस भी आऊंगी, आपसे जवाब भी जरूर लूंगी, लेकिन नीरज जी से जो मेरा पहला सवाल था, नीरज जी सभी पार्टियों का अब ये साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन को लेकर मुकदमे हो जाते हैं, तो क्या तमाम मुकदमे आंदोलन को लेकर ही है?
देखें, इसके लिए तो हमें इनके जो शपथ पत्र है और जो हमारी जो वेबसाइट है और पूरी डिटेल्स में जाना पड़ेगा, पूरा विवरण देखना पड़ेगा कि कौन किस प्रत्याशी के खिलाफ कौन कौन सी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, वो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो समाज के प्रहरी के रूप में मतलब उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है या क्रिमिनल ऑफेंस में है, हत्या के आरोप, बलात्कार या फ्रॉड, ये जो है ये बहुत गंभीर मुकदमे हैं, सीरियस मुकदमे हैं, सारे के सारे गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं। तो ये तो एक एक प्रत्याशी की जब हम डिटेल्स में जाएंगे, जब साइट पे देखेंगे तो चेक करेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रत्याशी के खिलाफ जो है कितनी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और वो किस प्रत्याशी, वो प्रत्याशी उसका आचरण, उसका व्यवहार और उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, ये तो गहराई में जाने की बात है। लेकिन मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि आजकल के युग में, आजकल की जिस तरह की पूरे देश की सियासत हो गई है, उस सियासत में, उस राजनीति में अगर आपको बेदाग लोग ढूंढने हैं तो टॉर्च मार के ढूंढने पड़ेंगे, टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा। सभी राजनीतिक दलों की स्थिति लगभग एक जैसी है, किसी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, नंबर एक बात। तो नंबर दो बात, अगर ये लोग पाक साफ होते तो ये खुद ही, ये तो नीति निर्धारक है, नियम कायदे कानून बनाने वाले ये हैं, जो हमारे विधानसभा के लिए जो जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में चुने जाएंगे वही तो कल मंत्री बनेंगे, उन्हीं में से तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा। मंत्री बनने का मतलब, मुख्यमंत्री बनने का मतलब ये है कि मंत्री बनने का कि आप सरकार का अंग हो गए और सरकार ही हमारे लिए नियम कायदे कानून बनाती है, नीति निर्धारक है हमारी समाज के निर्माण की, स्वच्छ समाज के निर्माण की बात ये लोग करते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग सारे के सारे दलदल में हैं इसलिए ये इस तरीके का कायदा कानून नियम कोई नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सब एक जैसे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि समय समय पर जो वहां पर जन याचिकाएं लगती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे याद है कि अभी पिछले चुनाव में भी डायरेक्शंस दिया था इलेक्शन कमीशन को भी, सरकार को भी, कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, एक तो उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर जो है फास्ट ट्रैक का गठन होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए ताकि बिल्कुल वास्तविकता जो है जल्दी से जल्दी। ठीक है, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। डीके पाल जी, ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो जिस तरह से उत्तराखंड में 632 उम्मीदवारों में से 105 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इस बीच में जब चर्चा ये आती है कि अब इन तमाम उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि को सार्वजनिक करना होगा, जनता के सामने जाना होगा, तो जनता आखिर जब वोट देगी तो किस तरह से चुनाव करती है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव का टाइम बहुत बढ़िया होता है हिसाब करे के लिए। पहले पिछड़े वर्ग के साथ कितना अत्याचार होता था, यहाँ तक के शिकायत तक दर्ज नहीं होती थी, और आज शिकायत भी दर्ज होती है, उस पे कार्यवाही भी होती है। जो देते थे हमें चोट, काहे देंगे हम उन्हें वोट, हिसाब लगा लीजिए। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं हम दागियों पर, दांव की तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा रुक कर लेते हैं, डीके पाल जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। डीके पाल जी, जिस तरह से उत्तराखंड के चुनाव की यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी अपना दांव खेलने जा रही है, और क्योंकि मैदान में आप उतर रहे हैं पहली बार, पाक साफ उम्मीदवारों के साथ आप उतर रहे हैं, लेकिन तमाम पार्टियों की यदि हम बात करें तो पार्टियां अब अपने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों पर भी सफाई देती हुई नजर आ रही है। क्या कहना है आपका, क्या इस तरह की सफाई देने से जनता के बीच में काम चल जाएगा? जी डीके पाल जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक कर लें। देखिए, आम आदमी पार्टी एक बड़े ज्वलंत आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जी। और उसके नेता पे स्वाभाविक है कि जब वो, हम राष्ट्रीय लेवल पे अपने नेताओं की बात करें, उन पर आंदोलन करने के उपरांत वाजिब सी बात है कि ये छोटे मोटे केस जो है ना लगेंगे, और यही बात उत्तराखंड के अंदर भी है। मैं बड़े भाई साहब बहुत सम्मान के साथ में थपलियाल जी को नमस्कार करते हुए बोलना चाहूंगा जी। कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि उत्तराखंड में बड़े अपराध वाले नेता ना पार्टी कभी टिक पाएगी ही नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि यहाँ ये भगवान चार धाम की भूमि है, ये सांस्कृतिक भूमि है, ये उन राज्य आंदोलनकारियों की भूमि है जिन्होंने बैन हंसा धनई की भूमि है, भेलमती चौहान की भूमि है, उन शहादतकारियों की भूमि है। यहाँ गुंडे बदमाश तो भाग ही जाएंगे। रही बात चुनाव से संबंधित जो 105 आपराधिक मामले प्रत्याशी असेंबली चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं जी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें मैं कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप करूं, भाजपा पे करूं या किसी और पे करूं, नहीं, ये बात फैक्ट है कि कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं वो थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, क्योंकि वो आंदोलन में तो विश्वास करते नहीं है, सत्ता में रहते हैं तो आंदोलन में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल में तो चाहे क्षेत्रीय दल यूकेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे और अन्य दल हो, यही आंदोलन करते हैं और इन्हीं पे आपराधिक मामले होते हैं। तो आपराधिक मामले इस तरह के हैं कि भाई हमने कहीं सड़क रोक दी, कहीं घेराव कर दिया, कहीं किसी अधिकारी के साथ में भिड़ गए, उसने चिड़मे के पुलिस वालों के साथ भिड़ गए, तो ये जनता के और जनहित के लिए कार्य करने वाले लोग। ठीक है, पीसी थपलियाल जी, मामले चलते रहते हैं, अपराध नहीं है ये। पीसी थपलियाल जी, जिस तरह से अब कम से कम इतना निर्देश दिया गया है नो योर कैंडिडेट के जरिए, जनता के पास में इतना हक है कि कम से कम अपने कैंडिडेट की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जनता जान सकती है, अखबारों में छपेगा, मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से आप पूरी जानकारी अपने कैंडिडेट की ले सकते हैं, क्या आप इसे एक बेहतरीन कदम मानते हैं? क्योंकि पहले तो जनता को जानकारी ही नहीं होती थी, अब से कम जनता के पास इतनी जानकारी है कि वो अपनी जानकारी के आधार पर फैसला ले सकती है किसी भी चुनाव के समय। अगर समाज को हम ध्यान से देखें तो समाज में हमेशा अपराधी प्रवृत्ति दबंगई वाले आदमियों को सलाम किया है, मतलब ये इस समाज की प्रक्रिया होती है कि अगर कोई दबंग होता है तो उसके आगे समाज क्यों झुकता है, उसको बड़ा मानता है। और अगर ये इस तरह सा इनका व्याख्यान आने लगेगा वेबसाइट पे कि ये अपराधी हैं, ये अपराधी हैं, तो उनका एक अच्छा खासा प्रचार उन लोगों को मिलेगा जो चुनाव के टाइम में नहीं मिलना चाहिए। यानी कि आपका कहना है कि चुनाव के समय में ये जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, इसके जितने फायदे हैं उसका उनको प्रचार मिलेगा। मुख्य बात का वो बोलेंगे कि देखो मैंने ऐसा था, मेरे पे वो हो गया। ठीक है पीसी थपलियाल जी, आप जो बात कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके फायदे भी हैं जनता के पास। हम इस चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। देवभूमि के दंगल में आज लगातार हम चर्चा कर रहे हैं दागियों पर दांव को लेकर, तमाम नेताओं के अलग अलग विचार हैं, जहां पार्टियां इन्हें आंदोलनरत मुकदमे बता रही हैं, वहीं आपराधिक मुकदमों में अब जब जनता के सामने जानकारी सार्वजनिक करनी होगी तो कहीं ना कहीं जनता के हाथ में यह फैसला होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज़ खबरों का सारथी। और दा किसे वोट दे रहे हो फिर? स्पष्ट है, केदार गए थे। हाँ, ईजा बहुजू को लेके गए थे। कभी सोचा था कि 2013 के बाद केदारनाथ जा पाएंगे?
हमारे केदार धाम को जिसने भव्य बनाया उन्हें ही भव्य जीत दिलाएंगे। यो धरो प्रसाद। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद सीधे लिए चलते हैं आपको हरिद्वार, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, आप भी सुनिए। बीएचएल को प्राइवेटाइज करवाना होगा, वो हो जाएगा। बिजली पानी जो भी आपको चाहिए उस हिंदुस्तान में आपको मिल जाएगी। कितने कम लोग हैं। और दूसरा हिंदुस्तान, गरीबों का हिंदुस्तान, किसानों का हिंदुस्तान, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, युवाओं का हिंदुस्तान, करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान, उसमें अगर आपको रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिल सकता। नोटबंदी, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, आप दूसरे हिंदुस्तान के हो, आप बैंक के सामने खड़े थे, नोटबंदी में आपने एक अमीर व्यक्ति को लाइन में देखा? एक अरब पति खड़ा था लाइन में। गलत जीएसटी जो लागू की उससे अरबपतियों का नुकसान हुआ, छोटे व्यापारियों का नुकसान हुआ, गरीब लोगों का नुकसान हुआ। कोरोना के समय में उत्तराखंड ने पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ा। कुंभ मेला में कोरोना की टेस्टिंग हुई। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जो लोग धर्म की बात करते हैं उन्हीं लोगों ने कुंभ मेला में फेक टेस्टिंग करके आपसे पैसा चोरी किया है। तो दो हिंदुस्तान। हां, ये देखिए, ये दूसरी बात है। आमतौर से एक मुख्यमंत्री बनता है, अच्छा भ्रष्ट होता है तो उसको बदल देते हैं, मगर पहली बार यहां पे तीन तीन मुख्यमंत्री बने हैं। तीन तीन मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार का इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दिलवाऊंगा, जहां भी जाते थे। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, देखो हंसी आ रही है, अब हंसी आ रही है, उस टाइम हंसी नहीं आ रही थी। उस टाइम उत्तराखंड की जनता को हंसी नहीं आ रही थी। उस टाइम 15 लाख रुपए बैंक में आने थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी। क्या हुआ?
मिल गए रोजगार, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया, 15 लाख रुपए आ गया बैंक अकाउंट में। अच्छा 15 लाख रुपए आपको नहीं दिए, नोटबंदी में आपके जेब से निकाल के ले गए। कोरोना के समय देखिए, कोरोना के समय कहते हैं लाखों लोग मर गए, कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ। तो ये थे हरिद्वार से राहुल गांधी। सीधे सीधे डबल इंजन की सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए, साफ तौर पर लोगों से पूछते हुए नजर आए कि कहां है 15 लाख रुपए और साथ ही साथ 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा जो मोदी सरकार ने किया था, उस वादे को पूरी तरह से नकारा है, झुठलाया है। देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से डिबेट पर वापस आएंगे। दागियों पर दाव को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। अगला सवाल यहाँ पर राजेंद्र जी से ही होगा। राजेंद्र जी, जिस तरह से पीसी थपलियाल जी का कहना था कि चुनाव के समय में जिस तरह से ये जानकारी सार्वजनिक की जा रही है, कहीं ना कहीं दबंग जो तमाम नेता होंगे उनके लिए ये फायदे का काम करेगी, क्या इस बात से आप भी सहमत हैं कि चुनाव के समय में ये तमाम जानकारी जनता के सामने सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? जी राजेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? आगे बढ़ेंगे हम, हमारे साथ डीके पाल भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, साथ ही साथ नीरज कोहली भी बने हुए हैं। डीके पाल जी, पीसी थपलियाल जी का जो यहाँ पर कहना था कि ये जानकारी सार्वजनिक होने से कहीं ना कहीं उन दबंगों को ही फायदा होगा, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जानकारी सार्वजनिक होने से एक बात तो है कि कम से कम जनता के सामने उन प्रत्याशियों का असली चेहरा निकल कर सामने आएगा। जो प्रत्याशियों की जो डिटेल है ना, ये ज्यादातर वेबसाइट पर पड़ी हुई है, बहुत अखबार में भी छपी है, तो बहुत सार्वजनिक रूप से अखबार में नहीं है, छोटा सा कॉलम आता है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसका फायदा किसी प्रत्याशी को होने वाला है, बात ये नहीं है जी। बात एक्चुअल में ये है कि उत्तराखंड के अंदर जो प्रवृत्ति है लोगों की, वो बहुत ज्यादा आपराधिक वाली है नहीं, खासतौर से नेताओं की। क्योंकि देखिए, अपराध तो किसी पे भी हो सकता है और गलती किसी से भी हो सकती है, मैं उस बारे में नहीं जानना चाह रहा हूँ। परंतु ये बात जरूर है कि साफ छवि के नेता जितने राजनीति में आएंगे जी, उतना आम आदमी को उसका फायदा मिलेगा जी, और निश्चित रूप से उसका एक आचरण दिखेगा काम करने की सोच। लेकिन डीके पाल जी, यदि आप साफ छवि के नेता राजनीति में चाहते हैं, तो उस पर रोक लगाने के लिए भी कोई ना कोई कदम आपको उठाना होगा। बिल्कुल, यही रोक लगाई तो है, रोक तो कानून ने लगानी है, सुप्रीम कोर्ट ने लगानी है, आप उन न्यायिक जो विभाग है उन्होंने लगानी है, ये उनका काम है। और देखिए, ये बात भी फैक्ट है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुनाव लड़ने से भी डरते हैं, उनको कोई वोट भी नहीं देता, ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ज्यादा आगे चुनाव लड़ने के लिए आते नहीं है। बात एक्चुअल में ये नहीं है कि बात एक्चुअल में ये उत्तराखंड को वाकई काम की और ईमानदारी की राजनीति करने वाले नेताओं की बहुत आवश्यकता है जी। और वो अगर आप ईमानदारी से इस बात को समझे सुने, तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने इस बात को 100% मतलब मैं ये कहूंगा कि साबित किया है कि ईमानदारी की राजनीति को करने के लिए थोड़े बहुत कानून और ये तो लगते हैं। ठीक है सीमा डोरा जी, राजनीति में यदि आप नेताओं साफ स्वच्छ छवि के नेताओं को चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पार्टियों को ही पहल करनी होगी। किसी तरह से प्रशासन की पहल के बाद नेताओं की जानकारी सार्वजनिक जरूर हो रही है, लेकिन जब तक पार्टियां नहीं चाहेंगी, तब तक इस मामले में ज्यादा सफलता मिल नहीं पाएगी। सीमा जी, फोन के अनम्यूट बटन को चेक करें आप, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही स्पष्टता के साथ हमने कह दिया था कि कैंडिडेट अगर कोई हमारे यहाँ, तो आपने खुद ही देख लिया है कि जो अभी टिकट्स बांटे गए, तो उसमें जरा से भी अनुशासनहीनता के कारण निष्कासित कर दिया, किसी को टिकट नहीं दी, तो चाहे वो दिग्गज क्यों ना हो। तो पार्टी ने चीजें बहुत ही क्लियर कट कह दिया कि अगर कैरेक्टर में आपको कोई भी दोष होगा, तो आपको, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप नेता हैं, नेता का मतलब होता है कि उसके पीछे हजारों लोग चल रहे और उसका उसको अनुकरण करें उनका, तो अगर वो रोल मॉडल नहीं होगा नेता,
तो किस तरीके से जनता उन पर विश्वास कर सकेगी, किस तरह से जनता उनको अपने अपना दुख बयान कर सकेगी या किस तरह से हेल्प मांग कर सकेगी, क्योंकि वो तो कैरेक्टर सही अगर इंसान खराब हो तो जा ही नहीं पाएंगे लोग, नॉर्मल लोग जो होते हैं ना तो वो जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट किया था कि हमें एक चरित्रवान ही चाहिए जो नेता है, उसमें चाहे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना चाहे करना पड़े, चाहे वो टिकट ही क्यों ना हमको सीट ही क्यों ना लूज करनी पड़े, लेकिन हम चरित्रहीन को किसी भी कीमत पे टिकट नहीं देंगे और यही हमारा मुद्दा रहा है। लेकिन कांग्रेस तो साफ तौर पर अभी भी कह रही है कि आपकी पार्टी में तमाम ऐसे बड़े आपराधिक लोगों को टिकट दिया गया है। देखिए इनके तो 22 हैं, ये बता दें ठीक है 22 है, लेकिन सीमा जी फिर मैं आपसे 13 की बात कर रही हूँ, तो आप भी कह रही है आंदोलन है, वो 22 को भी आंदोलन बता रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के बारे में सवाल करें तो आप लोग दूध के धुले बन जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं तो कहती हूँ बल्कि स्पष्टवादी हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि आप खुद की उनकी आरटीआई लगा दीजिए और देख लीजिए कि उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम है। ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र जी भी लगातार बने। नरेंद्र जी, जिस तरह से आज राजनीति में अपराध की हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, इस पूरे मामले में यकीनन सबसे बड़ी बात पार्टियों के सहयोग से ही कुछ हो सकता है, लेकिन अब जब यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जब लिस्ट सामने निकल कर आई है तो पार्टियों की अपनी सफाई है कि आंदोलन से, क्या लगता है आपको कि और कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जहां पर हम राजनीति में कम से कम स्वच्छ और साफ छवि के नेता आने वाले समय में देख सकें, और इसे कैसे कम किया जा सकता है? देखें, मैंने शुरू में एक बात कही कि राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को इलेक्शन कमीशन का यह निर्णय कहीं भी माफिक नहीं आएगा जी, कहीं भी उनको सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे इलेक्शन कमीशन ने यह कदम उठाया है। आप देखें कि अगर ये राजनीतिक दल इतने ईमानदार होते हैं, इनके प्रत्याशी इतने ईमानदार होते जी, तो ये जब नॉमिनेशन करते हैं, नामांकन पत्र भरते हैं, तो उसमें सब तरह के कॉलम्स भरे रहते हैं कि आपका अपना जीवन परिचय, आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके एसेट्स क्या हैं, आपकी चल संपत्ति, अचल संपत्ति, हीरे जेवरात और तमाम तरह चीजों का विवरण उसमें भरना होता है। तो ये क्या करते थे ये लोग, जो अपना अपनी जो अपने खिलाफ जो मुकदमे हैं, खासतौर के आपराधिक श्रेणी के जो मुकदमे हैं, इस तरह की जानकारी छुपाते थे। तो इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है, इलेक्शन कमीशन की मंशा यही है कि मैं हूँ, मैं मतदाता हूँ और मेरा ये संविधानिक अधिकार भी है कि जिस जनप्रतिनिधि को मैं चुनने जा रहा हूँ उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, उसके आचरण के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, उसकी बैकग्राउंड के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए कि मैं किसको चुनने जा रहा हूँ। ये मेरा संविधानिक अधिकार है। तो ये संविधानिक ये मैं जनता के हित में, मतदाताओं के हित में इलेक्शन कमीशन का जो उठाया गया कदम है ये बहुत सराहनीय है, सार्थक है। जी बिल्कुल नीरज जी, यहाँ पर एक सवाल और भी है, एक सवाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन में इतनी छूट मिलती है कि कम से कम मुकदमे दर्ज हैं तो आप जनप्रतिनिधि के लिए मैदान में उतर सकते हैं, किसी भी छोटी बड़ी नौकरी को लेने के लिए आप जाते हैं तो यदि आप पर किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज है तो वहां पर उसे खारिज कर दिया जाता है जी, तो जनप्रतिनिधि का ये हक भी क्यों मिलता है? नहीं, वो मैं बताता हूँ, वो ऐसा है कि हमारे कानून में एक इस तरह की व्यवस्था है, न्यायपालिका में इस तरीके का प्रावधान है कि मेरे ऊपर 50 मुकदमे लग गए, मेरे ऊपर 50 आरोप हैं, लेकिन जब तक न्यायालय से मैं दोषी करार नहीं दिया जाता तब तक मैं मतलब आपराधिक की पूरी तरह से आपराधिक की श्रेणी में नहीं आऊंगा। तो इसीलिए ये कानून के हाथ बंधे हुए हैं, वो कहते हैं कि आरोप लगने से कुछ नहीं हो जाता जब तक सरकार आपको दोषी करार ना दे दे, इसीलिए ये एक रास्ता बचा हुआ था, इसी वजह से ये लोग जो हैं 50 तरह के इनके मुकदमे हैं लेकिन किसी में भी निर्णय इनके खिलाफ नहीं आया है, ये दोषी करार नहीं दिए गए, तो इसलिए ये नॉमिनेशन भी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का इनको हक भी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये तो तभी हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टियां, दिल्ली में सरकार किसकी है, भारत में बीजेपी की है, स्टेट में सरकार किसकी है, बीजेपी की है, या और राज्यों में सरकार किसकी है, कि ये तो ये कानून बनाए इस तरीके का, ये सरकार को ही कानून बनाना पड़ेगा कि अगर किसी के खिलाफ एलिगेशन भी लगता है या गंभीर किस्म के मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो वो इलिजिबल नहीं होगा चुनाव लड़ने के लिए। ये जी बिल्कुल, पीसी थपलियाल जी, पीसी थपलियाल जी, नीरज जी का जिस तरह से कहना है कि यदि गंभीर किस्म के मुकदमे दर्ज हो तो वहां पर जनप्रतिनिधि को लड़ने का हक नहीं होना चाहिए, क्या कहना है इस पर आपका? यदि हम राजनीति में सफाई कर चाहते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कदम तो उठाना पड़ेगा। नीति की उत्पत्ति धन बल के आधार पे जीत हासिल करना हो, उस राजनीति की सफाई का क्या, ये तो केवल उलझाने वाली बात है। आज जेल के अंदर से भी उम्मीदवार जीतते हैं इस समाज में, और विधायक और
सांसद बनते हैं। आपने देखा होगा आजम खान को, आजम खान समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख नेताओं में शुमार थे और उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे और उसको आज पीसी थपलियाल जी, यही नहीं होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? राजनीति वो बदला भी तो लेती है, अब वही अपराधी घोषित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के रिजाइन में। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी आदमी इस देश में, अगर आप जब मॉनिटर करेंगे, कोई थर्मोमीटर होता है ईमानदारी का, बेईमानी का, तो कोई भी आदमी नहीं छूटेगा। जो पैसे वाला आदमी है वो कहीं ना कहीं अपराधी है, इसीलिए वो पैसे वाला बना हुआ है। जब वो पैसे को छुपाता है इधर से उधर से, तब जाके वो धनवान बनता है। अगर ईमानदारी से यहाँ पे टैक्स देकर कोई आदमी अरबपति करोड़पति बन जाए तो ये बिल्कुल झूठ है। इसलिए राजनीति की जो न्यू है वो अपराध के ऊपर की बनती है, क्योंकि आज जो एक पहले की जो राजनीति थी वो खत्म हो चुकी है, वो मर चुकी है। इस समय केवल और केवल धन बलियों की, यानी कि आपका कहना है कि राजनीति और अपराध को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सीमा जी, पीसी थपलियाल जी का तो साफ कहना है कि नींव है, अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं थपलियाल जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कतई कि कोई अमीर हो तो फिर वो अपराधी ही होगा, ऐसा नहीं है सर। मेहनत भी कहीं वो काम करती है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर आप मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। तो अगर जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दी, तो जरूर तो नहीं वो करप्ट हो। और अगर वो राजनीति में कभी कभी समाज सेवा के तहत भी आते हैं, और आज तो हमारा समाज बदल रहा है, पहले जमाना था, अगर आप 20 साल पहले या 15 साल पहले की राजनीति देखिए तो वहां पर तब राजनीति में आते ही गुंडे थे। एक्चुअल किसी का मर्डर कर दो और जेल चले जाओ, उसके बाद बाहर निकले तो नेता बन जाओ। पहले ये थी, मतलब जब कांग्रेस थी तो ये चला करता था कांग्रेस में, 2-4 मर्डर करके आ जाओ तो सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा विधायक बन गया, आपको बहुत पूछ होगी। लेकिन आज राजनीति बहुत बदल गई है, भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरा जो डोरा मैडम कर दिया। एक जवाब दे दो आप, हरवंश कपूर जी हमारे 9 टाइम के विधायक रहे और उनके बेटे पे जो आज केस लगा हुआ है वजीफा चोरी का, और किस तरह से वो परिवार बदनाम हुआ, उन्होंने कॉलेज बेचना पड़ा, और तब आप ये कहेंगे कि आज ही की वाइफ को आप लोग हमारे कैट विधानसभा में दिए वो, तो हम किस तरह से माने कि आप साथ जी? सीमा जी जवाब दीजिएगा। देखिए बिल्कुल दूंगी मैडम, 40 साल से हरवंश कपूर जी अपनी जो विधानसभा के लिए काम करते रहे और बेमिसाल थे, उनको लोग सल्यूट करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात भी एक हुजूम था उनके पीछे, आप जहां जहां उनकी डेड बॉडी जाती थी वहां पर लोगों का हुजूम चलता था, इतना दुख था। तो उन्होंने कुछ करा होगा तभी तो इस तरीके के लोग आगे, इस तरीके तो नहीं करते। रही बात आप, मैं आपकी बात के ऊपर आती हूँ कि उनके बेटे के ऊपर इल्जाम लगे, उनके बेटे के ऊपर इल्जाम लगे, उनकी पत्नी को टिकट मिला और अभी प्रूव नहीं हुआ है उनके बेटे पे भी, और उनकी पत्नी को टिकट मिला। अगर कोई बेटे से कोई गलती हुई तो माँ उसकी जिम्मेदार कैसे हो सकती है? उनकी पत्नी के साथ भी आप देखिए तो वो निरंतर अपने पति के साथ 40 साल काम करती थी, साथ में उन्होंने संस्कार भारती में भी काम किया, RSS के जो हमारी एक ब्रांच है, साथ में महिलाओं के लिए काम किया, समाज सेवा में निरंतर करती थी वो। उस जमाने में जब, मतलब 40 साल पहले महिला नहीं होती थी राजनीति में, वो तब से राजनीति में है। तो आप किस तरीके से ये बात कह सकते हो? और दूसरी बात ये कि हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति में ये बात कही गई है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अगर हम दे सकते हैं तो पत्नी को हम इतना सपोर्ट दे सकते हैं कि जो पति जिस भी फील्ड में हो तो उस फील्ड में हम पत्नी को ला दे, अगर वो सक्षम है तो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर राजनीति हो। तो हमने ठीक है, ये कहना आपका ठीक है, पत्नी को आपने टिकट दे दिया ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन पत्नी के विधायक बनने के बाद पत्नी बेटे को बचाने का काम नहीं करेगी, इस बात की गारंटी कौन देगा? ठीक है, आपके पास आएंगे। डीके पाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। डीके पाल जी, देखिए जब राजनीति में अपराध को लेकर बातें आती हैं तो तमाम तरह की सफाइयां भी आती हैं, फिर राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा तमाम तरह की दलीलें भी दी जाती हैं। क्या कहना है आपको, आखिर ये सफाई यदि हम करना चाहते हैं और यदि चाहते हैं कि साफ और स्वच्छ छवि के नेताओं, पीसी थपलियाल जी का तो कहना है कि नींव ही यदि अपराध से जुड़ी होगी तो उसे अलग नहीं किया जा सकता, आपका क्या कहना है आम आदमी पार्टी के द्वारा और साथ ही साथ नए चेहरों के द्वारा जिस तरह से महिलाएं अब राजनीति में आ रही हैं, क्या लगता है आपको कि जब नए लोग आएंगे, युवा अधिक आएंगे, महिलाएं अधिक आएंगी, तो कहीं ना कहीं छवि सुधर सकती है राजनीति की? फोन के अनम्यूट बटन को चेक करिएगा दीके पाल जी। ये बात तो सत्य है कि मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर
ज्यादातर लोगों की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा आपराधिक नहीं है। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, जो लोग जिन पर आरोपित हैं, जो 105 लोग हैं, 105 लोगों में से 80-90 लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर केवल और केवल किसी सड़क को रोकने का कोई आंदोलन कर रहे होंगे और वो सड़क के पास धरने पे बैठ गए होंगे और उन पर कोई मुकदमा लगा होगा, तो मैं समझता हूँ ये आपराधिक श्रेणी में नहीं आता। जी डीके पाल जी, यहाँ पर एक सवाल और भी है, यदि इस तरह के आपराधिक मुकदमों के बारे में जानकारी मिली है तो कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग को या प्रशासन को ये भी डिफाइन करना चाहिए कि कौन से मुकदमे साधारण हैं और कौन से मुकदमे गंभीर रूप से हैं। यही मैं कहना चाह रहा था आदरणीय हमारे सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में उन्होंने इस बात को कहा भी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी वो लिए हैं, स्टैंड लिए हैं, कई चीजें लिए हैं, बट सुप्रीम कोर्ट को यह भी करना चाहिए कि कौन बहुत ज्यादा आपराधिक श्रेणी में आता है और कौन साधारण श्रेणी में आता है, उसको भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो 105 सारे अपराधी हो गए। विधानसभा से मैं रविंद्र आनंद की बात ले लेता हूँ। रविंद्र आनंद जी ने पार्टी के लिए धरना प्रदर्शन किया, तमाम सारी चीजें की, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, मेरे पे भी मुकदमा चल रहा है, वो केवल केवल जनहित के लोग किसी की मांग को लेकर के आंदोलनकारियों को, हमारी जो आंगनबाड़ी की बहनें हमने उनके लिए आंदोलन किया, जो हमारे पुलिस के भाई 400 रुपए का स्केल पे मांग रहे थे उनके लिए आंदोलन किया। ठीक है डीके पाल जी, ठीक है बने रहिएगा आप हमारे साथ। जी बने रहिएगा आप हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरह से आज हम दागियों पर दाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब तक इस बात को लेकर पुख्ता तौर पर पूरी जानकारी नहीं होगी कि कौन से मुकदमे साधारण हैं और कौन से मुकदमे गंभीर और अति गंभीर की श्रेणी में आते हैं, तब तक भी ये दुविधा कहीं दूर नहीं होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए के न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु BSP की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। सुबह के लिए उड़ चला गारों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। घबराने की बात थी लेकिन अब नहीं है, बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी, इससे अच्छा तो आउट हो जाते। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ स्काई 247 पर, कहीं भी कभी भी। 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। दागियों पर दांव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, अगला सवाल आपसे है। जिस तरह का सवाल यहां पर डीके पाल जी ने उठाया है और जिस तरह हम भी यहां पर बातचीत कर रहे थे कि मुकदमों की यदि बात हो रही है तो साधारण और गंभीर अति गंभीर मुकदमों को लेकर भी डेफिनेशन होना चाहिए, जनता के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि यहां पर भी चुनाव आयोग को ही भूमिका निभाने की जरूरत है? यदि अति गंभीर या गंभीर श्रेणी का मुकदमा हो तो वहां पर एलिजिबिलिटी खत्म होनी चाहिए? जी नीरज जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को चेक करें आप। जी नीरज जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। नीरज जी, फोन के अनम्यूट बटन को एक बार और चेक कर लें आप, क्योंकि जी अभी तो मैं कंटिन्यू वैसे ही बैठा हूं, फोन को मैंने टच। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप जवाब दें। आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, यहां पर आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन की मंशा को समझे जी। उनका सिर्फ ये जो मुकदमे हैं जो हम जनता के लिए संघर्ष करते हुए या जनता के हितों के लिए आंदोलन करते हुए जो हमारे पे मुकदमे दर्ज होते हैं, वो मुकदमे बिल्कुल एक अलग चीज है। वो तो एक, मैं कहता हूँ, एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट है नेता का कि ये जनता के लिए संघर्ष करता है, वो तो एक मेडल के रूप में है। यहाँ उन मुकदमों की बात नहीं हो रही, यहाँ आपराधिक मुकदमों की बात हो रही है। वो भी गंभीर किस्म के अपराध जिनके ऊपर दर्ज है, उन मुकदमों की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन की सिर्फ मंशा इसके पीछे ये है कि जो आप जनता का जो उम्मीदवार हो, मतदाताओं का जो उम्मीदवार है, वो उस उम्मीदवार के बारे में, उस उम्मीदवार का आचरण कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, ये मतदाता को मालूम होना चाहिए उसके बारे में सारी जानकारी। और जब मतदाता को उसके बारे में जानकारी होगी कि उसका प्रत्याशी कैसा है या उसकी पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, तो बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो इससे देखें, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है और उसका प्रत्याशी साफ छवि का नहीं है, उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक बोल रहा हूं, फिर आपराधिक धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तो निश्चित बात है उस पार्टी की रेपुटेशन भी खराब होगी और लोगों की धारणा उस पार्टी के बदले के बारे में बदलेगी। तो आप अगर स्वच्छ समाज की बात करते हो, समाज को साफ करने की बात करते हो और आप कहते हो कि ये लोकसभा जो है हमारा लोकतंत्र का मंदिर है और विधानसभाएं हमारे लोकतंत्र की मंदिर है, तो उस मंदिर में बैठने वाले जो प्रहरी हैं तो वो भी तो साफ सुथरी छवि के होने चाहिए। जो हमारे नीति निर्धारक हैं वो अगर साफ नहीं होंगे तो कैसे जनता का मार्गदर्शन करेंगे? बिल्कुल, बदलाव की विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। जी डी के पाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, इसी बात के तो आदरणीय कोहली साहब हम बात कर रहे हैं कि वो डिफाइन तो हो ना। अब आम आदमी पार्टी के जो 11 लोग हैं जिन पर आपराधिक ये हम डिबेट कर रहे हैं, हमें तो बैठ के ऐसे लग रहा है ना कि वो बहुत बड़े अपराधी हैं। जी वो कातिल हैं, वो लुटे रहे हैं, वो मर्डरिस्ट हैं, और उन पर मुकदमा केवल कोई है तो केवल और केवल आंदोलन का है। तो मैं इस बात को चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई गाइडलाइन जारी की, उसका सम्मान है, सब पार्टियां सम्मान करेगी, लेकिन यह डिफाइन भी हो कि कौन आंदोलनकर्ता पर कोई आरोप है, या किसी ने बलात्कार किया वो आरोप है, या किसी ने कोई बड़े बैंक की फोर्जरी करी है वो आरोप है, या क्या आरोप है, ये डिफाइन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम सब अपराधी होंगे। जी जी बिल्कुल नीरज जी, इसमें मैं पाल साहब को एक बात बताना चाहता हूं कि जब FIR की कॉपी और जब धाराएं सामने आएंगी ना, जब आप डिटेल देंगे किन किन धाराओं में है, तो धाराओं से पूरी पूरा डिटेल और पूरा उल्लेख हो जाता है इस बात ठीक है। पीसी थपलियाल जी, ठीक है पीसी थपलियाल जी, यहाँ जिस गंभीर और साधारण मुकदमों की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया, लेकिन यहाँ पर पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी को देखना है कॉमन मुकदमे साधारण मुकदमे की यदि बात हो तो जनता भी उसको समझेगी, लेकिन किस तरह के कैंडिडेट का चुनाव करना है ये पूरी तरह से पार्टी के हाथ में है। पार्टी के हाथ में, बहुत सही बोला आपने, और फिर जनता की अदालत में है जी। और हम कोई भी नहीं हो सकता ये सर्टिफाइड करने के लिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जिस तरह की राजनीति आज चल रही है, कई लोग मुसलमानों को गाली देकर बड़े नेता बन रहे हैं, और कल उनका वेबसाइट में आएगा कि इसने मुसलमानों को गाली दिया तब ये अपराधी है, तो उसको और प्रचार मिलेगा, वो हीरो बनेगा समाज जी, का। आप आज फुल्लन देवी का जो हत्यारा है सेठ सिंह राणा, उसकी पार्टी को किसने रजिस्टर किया? चुनाव आयोग ने। और वो यहाँ आया जब देहरादून में, और हमें उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम युवा उसकी तरफ दौड़ रहे, शेर सिंह राणा के साथ फोटो खिंचवा रहे, मैंने अपने आप देखा। और मैं जो बढ़िया लोगों को, गणमान्य लोगों को लेके गया, उनको कोई नहीं पूछ रहा,
मैं काम पांगती मेरे साथ, बड़े बड़े दिग्गज वामपंथी नेता मेरे साथ, और वो सारे के सारे लोग शेर सिंह राणा के साथ फोटो खिंचवा रहे। ये देखिए समाज हमारा, हमें शेर सिंह राणा आज पार्टी बना के घूमता है, कोई भूलेगा इस डिबेट में कि उसकी पार्टी को रजिस्टर किसने किया? जी बिल्कुल पीसी कपिलयाल जी, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यहाँ पर पार्टियों की बढ़ जाती है। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीसी कपिलयाल जी बहुत धन्यवाद, सीमा जी बहुत धन्यवाद आपका, डीके पाल जी बहुत धन्यवाद, और नीरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि के दंगल में जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे थे, दागियों पर दाव पार्टियों ने खेला जरूर है, चुनाव आयोग ने अपना काम किया है, जनता के सामने इन तमाम लोगों का रिपोर्ट कार्ड जाएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड जाने के बाद भी जनता तो अपना फैसला लेगी, लेकिन पार्टियों की जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में पार्टियों को भी अपनी जिम्मेदारी को और अधिक बखूबी निभाना होगा, ताकि इस तरह के उम्मीदवार मैदान में उतर ही ना पाए। देवभूमि की दंगल में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।